Hello everyone. Once again, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of partial differential equation from December 2015 question paper. December 2015 question paper से total 5 question ask किए गए थे. Partial differential equation से 2 are from part B and 3 are from part C. So आज के इस video में हम वो total 5 question discuss करेंगे one by one. So let us start the first question. In this question, given that question is from part B and given that the partial differential equation, हमें partial differential equation दी गई और पूछा गया has option A कह रहा है only one particular integral, second option कह रहा है a particular integral which is linear in x y, third statement कह रहा है a particular integral which is quadratic polynomial in x y and last statement कह रहा है more than one particular integral. So यहाँ PI की बात की गई कि हमें PI निकालना है partial differential equation के लिए. Partial differential equation के लिए जब हम PI निकालेंगे देन हमें यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये इस फॉर्म में गिवन है डेल डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू यू इक्वल्स टू एक्स, जहाँ डी डिनोट करा है डी डेल बाई डेल एक्स को एंड डी डैश डिनोट करा है डेल बाई डेल वाई को. सो यहाँ से अगर पी आई निकालेंगे देन पी आई क्या निकलेगा, इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर. सो डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर वन बाई डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स. सो यहाँ से अगर हमने डी डैश कॉमन ले लेना है डी डैश स्क्वायर को मना जाएगा. सो हमारे पास जो बाकी टर्म बचेगी वो टर्म रहेगी वन प्लस डी बाई डी डैश की पावर माइनस टू चला जाएगा, यहाँ ये डेनोमिनेटर में सो यहाँ से ऊपर जाएगा देन माइनस टू हो जाएगी पावर इंटू एक्स. तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन अगर करते हैं देन एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्म का बनेगा वन बाई डी डैश स्क्वायर कॉमन हमने लिया हुआ है और यहाँ से इसका एक्सपेंशन बनेगा वन माइनस टू डी बाई डी डैश प्लस ऑन इंटू एक्स यहाँ से. सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ से इससे एक्स एम टू का फिर ये वन बाई डी डैश स्क्वायर यानी वाई के रेस्पेक्ट में दो बार इंटीग्रेशन होगा. सो वाई के रेस्पेक्ट में अगर दो बार इंटीग्रेशन होगा देन हमारे पास वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर बाई टू. सिमिलरली यहाँ से इसका पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देन वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एंड दोबारा दो बार वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा देन यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई होके हमारे पास बनेगी वाई क्यूब बाई थ्री एंड इन माइनस साइन वहाँ से आ गया. सो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई होकर टर्म बची, इसके लिए पी आई ए है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई क्यूब बाई थ्री. सो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनी है. सो अगर इस इक्वेशन को देखिए देन ओनली वन पर्टिकुलर इंटीगल, ये हमें नहीं समझ आया कि पर्टिकुलर इंटीगल एक ही होगा या एक से ज़्यादा होगा. सो ये ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, अभी तक तो हमने एक तो निकाल लिया बट यहाँ ये अ पर्टिकुलर इंटीगल विच इज लीनियर इन एक्स वाई, ये तो हमारे पास लीनियर नहीं आया एक्स और वाई में. सो यहाँ से ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो रहा है एंड थर्ड स्टेटमेंट का है पर्टिकुलर इंटीगर विच इज़ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन एक्स वाई, यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी नहीं बना है. सो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया. नेक्स्ट अगर पर्टिकुलर इंटीगल की बात करें, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्म ये भी निकल सकती है, अगर यहाँ से हम डी स्क्वायर कॉमन लें देन डी स्क्वायर कॉमन लेंगे देन फॉर्म ये बनेगी वन बाई डी स्क्वायर वन इंटू वन प्लस डी डैश बाई डी जस्ट टू द पावर माइनस टू इंटू एक्स. यहाँ से अब इसका एक्सपेंशन कर दे, इसका एक्सपेंशन कुछ तो हो जाएगा हमारे पास वन माइनस टू डी डैश बाई डी एंड सो ऑन. सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट टर्म तो यहाँ एक्स फिर एक्स का के रेस्पेक्ट में वन बाई डी स्क्वायर का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार इंटीग्रेशन देन वैल्यू आएगी एक्स क्यूब बाई सिक्स माइनस टू डी डैश बाई डी, डी डैश यहाँ डिनोट कर रहा है वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन देन यहाँ से हमारे पास जो टर्म दी हुई है ये एक्स है वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा देन वैल्यू जीरो आ जाएगी. सो ओवरऑल यह वैल्यू यहाँ से जीरो आ गई. सो एक हमारे पास पर्टिकुलर इंटीगल ये बना है. सो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दो अलग अलग पर्टिकुलर इंटीगल आ गए. तो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से मोर देन वन पर्टिकुलर इंटीगल आ रहे हैं. सो यहाँ से ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया ओनली वन पर्टिकुलर इंटीगल वाला. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया सिर्फ ऑप्शन डी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट बी, इन द गिवन क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें यहाँ ये गिवन है जिसके साथ इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है यू एक्स जीरो इक्वल्स टू वन सेटिस्फाई. चार ऑप्शन दिए, पूछा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा. सो यहाँ से हम इससे पहले तो अगर इनिशियल कंडीशन से फुलफिल करेंगे एट एक्स जीरो पे यू की वैल्यू हमारे पास क्या आती है. सो यहाँ ऑप्शन से ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है. सो हम ऑप्शन से इनिशियल कंडीशन से तो ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे. सो हमें जो गिवन कंडीशन दी हुई है इसे सिंपाई करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सो अगर इसे हम कंपेयर करते हैं पी यू एक्स प्लस क्यू यू वाई इक्वल्स टू आर से, सो इसे हम लैग्रेंजेस मेथड से जब सॉल्व करते हैं देन इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डी यू बाई आर से.
सो यहाँ से सिंप्लीफाई होके अगर गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करें, यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू रेस्पेक्टिवली हमारे पास ये आ जाएगी, ये वैल्यू पी की, ये वैल्यू क्यू की एंड ये वैल्यू आर की। देन यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी एक्स बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई 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 माइनस एक्स माइनस यू इक्वल्स टू डी यू वाई यू। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सो यहाँ से फर्स्ट दिस टर्म प्लस दिस टर्म अगर करेंगे, देन यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी डी एक्स प्लस डी वाई ओवर माइनस यू कॉस ऑफ प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई से, सो सिर्फ बचेगा माइनस यू। और यहाँ से थर्ड टर्म हमारे पास है डी यू बाई यू से, सो यहाँ से अगर आप इस पूरे टर्म को देखते हैं, ये इम्प्लाई करती है डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू। देन यहाँ से सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस यू इक्वल्स टू सी वन। सो एक हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। सिमिलरली अगर हम बाकी टर्म्स को दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं, देन हमारे पास डी एक्स माइनस डी वाई प्लस डी यू अगर सॉल्व करेंगे, देन इसके लिए हमारे पास वैल्यू आएगी टू इंटू एक्स माइनस वाई प्लस यू, और थर्ड टर्म हमारे पास है डी यू बाई यू से। सो अब अगर इस टर्म को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं इन दोनों टर्म्स को, देन यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा टू लॉग यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस यू प्लस यू वाई प्लस यू, प्लस हमने आर्बिट्री कोफिशियंट ले लिया आर्बिट्री लॉग ऑफ सी टू। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं, देन वैल्यू आएगी यू स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू इंटू एक्स माइनस वाई प्लस यू, देन यहाँ से सी टू आ गया हमारे पास यू स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई प्लस यू। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। सो एक सी वन की वैल्यू यहाँ से आई और सी टू की वैल्यू यहाँ से आई। सो लैग्रेंजेस मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन आगे की प्रोसेस हमारे पास ये रहती है सी वन इक्वल्स टू फाइव सी टू या सी टू इक्वल्स टू फाइव सी वन। हमारे पास जो भी इनिशियल कंडीशन गिवन है, देन उससे कोई भी फॉर्म अगर सिंप्लीफाई होती है उसी तरीके से हम ले लेते हैं। देन यहाँ से हम लेंगे एक्स सी टू इक्वल्स टू फाइव सी वन, देन सी टू इक्वल्स टू अगर फाइव सी वन लेंगे, देन यहाँ से वैल्यू आएगी सी टू है हमारे पास यू स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई प्लस यू एंड सी वन है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस यू। देन हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है यू एक्स जीरो इक्वल्स टू वन देन यू एट एक्स जीरो, सो यहाँ से एक्स जीरो अगर निकालते हैं देन फाइव ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन बाई वन प्लस एक्स। देन ये क्या इंप्लाई करा है, फाइव ऑफ एम इक्वल्स टू वन बाई एम, सो हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस यू। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस यू इक्वल्स टू वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस यू, देन यू स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई प्लस यू इक्वल्स टू वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस यू। देन ये इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास यहाँ से गिवन कंडीशन में ऑप्शन बी करेक्ट है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट होगा, देन यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट यू एक्स वाई सेटिस्फाई द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन हमें गिवन है ये एंड एक्स जीरो एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टू पाई एंड टी इज ग्रेटर देन जीरो, यू एक्स जीरो इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा एक्स और सम ओमेगा बिलोंग्स टू आर, हमें ओमेगा आर रियल नंबर से कोई नंबर दिया हुआ है, देन हमें बताना है यू एक्स टी की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। सो इस क्वेश्चन को ये वेव फंक्शन दिया है, देन वेव इक्वेशन से ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ से ये जो कंडीशन गिवन है वो वेव इक्वेशन के मेथड से अगर सॉल्व करेंगे देन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी हो सकता है एंड देन क्या पता रिजल्ट निकले ना निकले। सो हम यहाँ से एक एक ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसको हम इनिशियल कंडीशन से और फंक्शन से वेव फंक्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा और जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। सो यहाँ से हमें वेव फंक्शन दिया है यू टी टी इक्वल्स टू यू एक्स एक्स वे यू एक्स जीरो इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा एक्स, ओमेगा बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टू पाई टी ग्रेटर देन जीरो, साथ ही इनिशियल कंडीशन ये है। देन ऑप्शन डी की अगर बात करें, ऑप्शन डी कह रहा है यू एक्स टी इक्वल्स टू टी प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, देन यू एक्स जीरो इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, बट हमें यू एक्स जीरो क्या दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा एक्स। व्हाट इज दिस वन इम्प्लाइंग, दिस वन इम्प्लाइंग यहाँ से ऑप्शन डी है जो हमारे पास वो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन से हमने एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दिया। अब बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए हमें कहता है यू एक्स टी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा एक्स प्लस टी, देन इसके लिए यू एक्स एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, देन वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट टाइम करेंगे देन आयटा ओमेगा एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा एक्स प्लस टी, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे देन आयटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आयटा ओमेगा एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा एक्स प्लस टी। देन व्हाट इज, एक तो ये आ गई, सिमिलरली यू टी टी निकालते हैं टी के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन देन एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा एक्स प्लस टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में,
देन वैल्यू आएगी आयोटा ओमेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा एक्स प्लस टी। सिमिलरली दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे देन आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स प्लस टी। दोनों टर्म्स को ऐड इक्वल्स दोनों टर्म इक्वल आ दिए यू एक्स एक्स इक्वल्स टू यू टी टी, साथ ही इनिशियल कंडीशन को भी सिंप्लीफाई हो रहा है। देन यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। देन यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। यहाँ से ये आयोटा इक्वल्स टू रूट माइनस वन को डिनोट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेसिफिक कोई भी कंडीशन नहीं दी है इस कंडीशन को फुलफिल करती हुई। देन यहाँ से आयोटा सिर्फ एक नोटेशन की तरह है, वैसे हम आई भी कह सकते हैं। देन यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। सिमिलरली ऑप्शन बी की अगर बात करें, ऑप्शन बी हमें कह रहा है यू एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा एक्स माइनस टी। देन यहाँ से मैंने आयोटा आयोटा से रिलेट ना हो दैट्स व्हाई इसे आई भी कह दिया है। तो यहाँ से इसका दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू आएगी आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा आई ओमेगा एक्स माइनस टी। सिमिलरली यू टी टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा एक्स माइनस टी। दोनों फिर से इक्वल आ गए, साथ ही इनिशियल कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए एंड बी दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ऑप्शन सी लास्ट है, उसे भी सेम इसी प्रोसेस से कर लेंगे। ऑप्शन सी को अगर करते हैं देन एक्सपोनेंशियल यू एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई टू इंटू एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा एक्स। देन इसका दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटू एक्सपोनेंशियल ओमेगा एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई टू। सिमिलरली टी के रेस्पेक्ट में करेंगे देन ये इंप्लाई करता है दोनों इक्वेशन फिर से इक्वल आ रही है। देन यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी। In this question given that let u x y be the solution of the equation del 2u by del x square plus del 2u by del y square equals to 0 which tend to 0 as y tends to infinity and has the value sin x when y equals to 0 then u ki hume value di aur saath hi pucha gaya kaun sa option fulfill hoga. So one by one options ko padhte jaate hain aur dekhte hain kaun sa option satisfy hota hai. So in this question as given that as y is tending to infinity which tends to 0 so this function ye jo u hamare paas result aayega jaise hi y infinity ki taraf tends karega u hamare paas 0 ki taraf tends karega. Saath hi when y equals to 0 then u equals to sin of x. So hamare paas ye do result given. So one by one agar option se hi compare kar le ki kaun se option mein y tending to infinity pe value infinite value 0 ja rahi hai saath hi y equals to 0 pe sin of x aa raha hai. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करते हैं देन फर्स्ट ऑप्शन में हमें कहा गया ए एन आर्बिट्री है देन ए एन की कुछ भी वैल्यू आ सकती है कंफर्म नहीं ए एन की वैल्यू क्या है साथ ही बी एन आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट यानी बी एन एन की किसी भी वैल्यू के लिए बी एन जीरो नहीं आएगा. सो यहाँ से हमारे पास यू एन में जो सॉल्यूशन आएगा व्हेन एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू जीरो बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस फाइव इज टेंडिंग टू जीरो. सो यहाँ से ये क्वान्टिटी तो जीरो में चली जाएगी एंड एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन साइन इन्फिनिटी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा बिकॉज ऑफ बी एन तो नॉन जीरो आएगा बी एन नॉन जीरो आएगा देन एन एक्स ये फंक्शन हम कह नहीं सकते इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी. सो ये तो इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से वैल्यू किसी भी केस में जीरो की तरफ तो टेंस हो नहीं रही है. सो यहाँ से एक ऑप्शन डिस्कार्ड होगा और दूसरी कंडीशन हमें दी है वाई ऑफ जीरो. सो वेन वाई इक्वल्स टू जीरो देन दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू वन ये तो वन में चला जाएगा और x पे कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है. सो यहाँ से ये bn एन साथ ही bn नॉन जीरो भी है. सो nx एक्स प्लस bn की वैल्यू हम x कैसे कह सकते हैं bn नॉन जीरो है देन यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यू साइन ऑफ x नहीं आ सकती. तो यहाँ से ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया. सिमिलरली अगर ऑप्शन b की बात करें तो यहाँ से हमें ऑप्शन में कंडीशन में गिवन है फिर a1 वन इक्वल्स टू वन एंड ए एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन जीरो के लिए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है an और bn. सो यहाँ से an और bn फिर से नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है. सो एन इज टेंडिंग टू जीरो देन दिस फंक्शन टेंडिंग टू वन ये तो वन में चला जाएगा बट यहाँ से हम साइन ऑफ एक्स कैसे कह सकते हैं क्योंकि बी एन हमारे पास नॉन जीरो दिया है बी एन नॉन जीरो दिया है देन साइन एन एक्स वैन एन वाई. सो यहाँ से ये फंक्शन जीरो की तरफ साइन ऑफ एक्स में कैसे टेंस होगा. सो यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया.
सिमिलरली अगर ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी कह रहा है बी एन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ए एन आर ऑल नॉन जीरोज। सो बी एन की वैल्यू तो जीरो है, सो यहाँ से ये तो फंक्शन जीरो में चला जाएगा, सो यहाँ से साइन एन एक्स आएगा और दिस फंक्शन एन इज टेंडिंग टू वाई इज टेंडिंग टू जीरो पे ये फंक्शन चला जाएगा हमारे पास वन में। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू ए एन साइन एन एक्स आएगी। सो यहाँ से अब अगर ये फंक्शन तो यहाँ से आ गया, सिमिलरली वन वाई इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू जीरो। सो वाई इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दिस फंक्शन वन बाई इन्फिनिटी देन दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा। बट यहाँ से बी एन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो, सो अगर ऑप्शन से दिखें देन दिस फंक्शन इज ऑल्सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो डिस्कार्डेड बिकॉज वाई इक्वल्स टू जीरो पे देन इस फंक्शन की वैल्यू साइन ऑफ एक्स आ रही है देन वाई इक्वल्स टू जीरो देन दिस फंक्शन इज जीरो देन ये तो वन आ गया, साथ ही वाई इक्वल्स टू जीरो देन दिस फंक्शन इज बी एन की वैल्यू जीरो आ रही है। सो यहाँ से इसका रिजल्ट आएगा सम ऑफ ए एन साइन एन एक्स, सम ऑफ ए एन साइन एन एक्स बट दिस वन इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। यहाँ से एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसका रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, सो यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बच्चा हमारे पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कह रहा है ये रिजल्ट है और वेन ए वन इक्वल्स टू वन एंड ए एन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वन, साथ ही बी एन जीरो है, सो वेन एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तो ये हमारे सारे ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। वेन एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस फंक्शन इज ऑल्सो टेन टू जीरो, सो ओवरऑल रिजल्ट जीरो आ जाएगा। सिमिलरली एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी ये रिजल्ट जीरो आ रहा है, सो वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये सारे फंक्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं जीरो वाली कंडीशन को, बिकॉज ऑफ मैंने ऑप्शन में बीच में गलती कर दी थी, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जीरो नहीं जा रहे बट ये एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो ही जा रहा है। सो यहाँ से ये एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो जा रहा है बट वाई कुछ टेंडिंग टू जीरो पे ये साइन ऑफ एक्स नहीं जा रहा कोई भी फंक्शन। बट अगर ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पे बी एन तो जीरो है हर केस में एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वन के लिए, सो यहाँ से बी एन तो जीरो आ गया बट वेन वाई इज टेंडिंग टू जीरो देन दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू वन, सो यहाँ से इसका रिजल्ट बना ए एन साइन एन एक्स, सो ए एन की वैल्यू जीरो है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन वन के लिए, सिर्फ ए वन इक्वल्स टू वन के लिए है। सो यहाँ से ये साइन ऑफ एक्स आ जाएगा क्योंकि ए एन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन वन एंड ए वन इक्वल्स टू वन, सो यहाँ से साइन ऑफ एक्स आ रहा है, सो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है गिवन कंडीशन को। सो यहाँ से ऑप्शन सी ही हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट अ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन ही है, रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन, हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका हमें निकालना है कि वो एलिप्स होगा, एलिप्सॉइड होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा, वन बाई वन ऑप्शन से बताना है। बट सबसे पहले हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है देन हम इसे उस फॉर्म में नहीं कर सकते एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी का रिजल्ट निकाल के ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन जीरो वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, सो ये नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के लिए हम वो चार पिट मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। सो अगर इसे हम चार पिट मेथड से सॉल्व करते हैं देन हमारे पास यहाँ से ये फंक्शन गिवन है ये, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बिकॉज ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स को हमने डेल यू बाई डेल एक्स को हमने पी लिख लेना है, डेल यू बाई डेल वाई को हमने क्यू लिख लेना है, सो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर हमारे पास रिजल्ट आएगा ये। सो इस टाइप की इक्वेशन के लिए हम स्टैंडर्ड रिजल्ट क्लेरेट इक्वेशन का मिलेंगे, क्लेरेट इक्वेशन हमें कहते हैं यू इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ। देन अगर किसी भी इक्वेशन को हम क्लेरेट इक्वेशन से सॉल्व करते हैं देन इक्वेशन हमें फंक्शन गिवन होता है एफ एक्स वाई यू पी क्यू इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू माइनस यू, देन यहाँ से चारपिट इक्वेशन लगाएंगे, चारपिट इक्वेशन का फॉर्मूला हमें ये गिवन होता है, चारपिट इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन होती है, देन यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से डी पी एंड डी क्यू के फॉर्म ये है, सो अगर डी पी और डी की डी क्यू के फॉर्म में अगर लेते हैं देन डी पी और डी क्यू के फॉर्म में यहाँ से आएगा हमारे पास डी पी बाई जीरो इक्वल्स टू डी क्यू बाई जीरो, सो यहाँ से डी पी बाई जीरो इक्वल्स टू डी पी इक्वल्स टू जीरो एंड डी क्यू बाई जीरो इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू जीरो, ये दो इक्वेशन बनती है हमारे पास यहाँ से। सो ये दोनों इक्वेशन यहाँ से इंप्लाई करेगी हमारे पास पी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू बी, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ गए। सो यहाँ से यू के सॉल्यूशन क्या आ गया, यू इक्वल्स टू यहाँ से ये जो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू आया था
ये आ जाएगा यू इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी। सो यहाँ से ए बी आ गया पी क्यू की जगह। सो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से अगर पी क्यू की जगह ए बी पुट कर देते हैं, देन यहाँ से हमारे पास इक्वेशन हमने ये बनाई है एक्स बी प्लस वाई क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यू। देन यहाँ से अगर पी की जगह ए और वाई की क्यू की जगह बी पुट करते हैं, देन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस यू। सो हमारे पास ये जो रिजल्ट बना है ये हमारे पास कंप्लीट इंटीगल है, कंप्लीट इंटीगल है, बट हमारे पास ये सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सिंगुलर सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। सो अगर यहाँ से सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं देन सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। सो ए के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा देन वैल्यू आएगी एक्स प्लस टू ए इक्वल्स टू जीरो। सो ए आएगा यहाँ से माइनस एक्स बाई टू। सिमिलरली डिफरेंशिएशन अगर वाई के रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में करते हैं देन वाई प्लस टू बी इक्वल्स टू जीरो, देन ये इम्प्लाई करता है बी इक्वल्स टू माइनस वाई बाई टू। सो यहाँ से इक्वेशन फाइव में ए और बी की वैल्यू अगर पुट करेंगे देन यू इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर। देन यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन रिजल्ट हमारे पास सिंप्लीफाई होकर बनता है यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर यू आ जाएगा। सो वेन यू लेस देन जीरो आएगा देन उसी केस में हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो इक्वेशन आ रही है। सो अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें ऑप्शन हुई तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर यू। सो अगर ऑप्शन की बात करें देन हमारे पास इसका सॉल्यूशन जैसा बनेगा। सो ऑप्शन ए हमें कह रहे हैं वैन एक्स वाई प्लेन में ही इलिप्स बन रहा है। सो एक्स वाई प्लेन में देन यू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, वैन यू इक्वल्स टू जीरो आएगा देन हमारा सॉल्यूशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो हमारे पास सिर्फ ये एक ओरिजिन पॉइंट बनेगा, ओरिजिन पॉइंट ही बनेगा ऐसा सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि इसमें आर की वैल्यू जीरो होगी। सो यहाँ से सिर्फ एक ओरिजिन बनेगा, बट ये हमें कह रहा है इलिप्स इन एक्स वाई प्लेन, बट हमारे पास तो सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है इलिप्स नहीं बन रहा। सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा एलिप्सॉइड इन एक्स वाई यू प्लेन, ये हमारे पास एलिप्सॉइड नहीं बन रहा क्योंकि अगर एलिप्सॉइड बनेगा देन यू ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो यहाँ से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सी वेयर यू इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए ही हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो में ये वैल्यू नेगेटिव जा रही है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सो यहाँ से ऑप्शन सी ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सो आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर 2015 में पूछे गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।